अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा गाइस, आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी पाकिस्तान टू ओमान वैक्सीनेशन। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप ये वैक्सीन लगा के आएंगे तो आपको जो ओमान में इंट्री है, ठीक है जी, क्योंकि अभी तो फ़्लाइटें बिल्कुल बंद हैं, बैन है, खुली नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ओमान में जो दो वैक्सीन्स हैं उनको ज़्यादा जो वहाँ पे है वो फजीराई है, एक एस्ट्राजेनेका है और एक फाइज़र है। अगर आप लाहौर से हैं या आप किसी लाहौर से बाहर से कहीं से आते हैं ओमान की वैक्सीनेशन करवाने के लिए, क्योंकि सऊदीया वगैरह के लिए तो आई थिंक मडोना और ये एक दो और हैं वो चल रही हैं, वो उन्होंने अप्रूव कर दी हैं, लेकिन ओमान में बस उन्होंने ये दो जो हैं ये भी उन्होंने शर्त नहीं रखी कि आपके पास ये होंगी, इसका सर्टिफिकेट होगा तो आप ओमान में एंट्री करेंगे, नहीं। ये हमने एक जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए लगवाना है, क्योंकि ओमान, जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि फ़र्स्ट ऑफ जो है ये अपना अगस्त से कोई भी जो है वो बंदा वैसे नहीं जा पाएगा विदाउट वैक्सीन के। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें ये कर सकते हैं कि जनाब जी हम वैक्सीन जो है वो क्लियर करवा लें, अपनी वैक्सीन लगवा लें। इवन डोज अगर हमें एक डोज भी लगी होगी तो एटलीस्ट हम लोग अपना सर्टिफिकेट लेके हम लोग जा सकते हैं, अगर ओमान फ़्लाइटें ओपन कर देता है तो। अच्छा, अब ये वैक्सीन हमें मिलेगी कहाँ? अच्छा भाईजान, अगर आप एक्सपो सेंटर लाहौर में जाएंगे, जो कि आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा है कि ये इदारा है, यहाँ पर आपको वैक्सीन लगेगी, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 4-5 लगेंगी, उनमें से जो ओमान के लिए हैं बंदे उनके लिए वो वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ओमान में जो वैक्सीन लग रही है वो वैक्सीन यहाँ पे नहीं है। ओके भाईजान, तो अगर आपको फाइज़र चाहिए, फाइज़र वैक्सीन, तो आपको सीधा जाना पड़ेगा म्यू हॉस्पिटल लाहौर। मैं लाहौर से हूँ तो आपको म्यू हॉस्पिटल लाहौर में आना पड़ेगा, वहाँ पर गेट नंबर 2 मेन हॉल पर आपको आना पड़ेगा, और वहाँ पर आपके जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको बंदे, अगर आप किसी से पूछ लेंगे कि बाहर जाने के लिए वैक्सीन कहाँ लेंगे, तो वो आपको बता देगा, बड़ा इजी है। उसके लिए आपको 3-4 चीज़ें चाहिए जो ज़रूरी हैं, जो अगर आपके पास नहीं होंगी तो विच इज़ प्रॉब्लम, आपको बहुत प्रॉब्लम उसमें होगी। और सबसे पहले आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास जो पताका होता है, ओमान वालों को पता है पताका जो होता है, वो आपके पास लाजिम होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरे, इन सब की जो चौथा पॉइंट है, इन सब की आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, कॉपी। वो आप कॉपी लेके वहाँ पे जाएंगे तो आपको विद इन आई थिंक 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपको वैक्सीन लगा के आपका जो पूरा बायोडाटा है वो नादरा की वेबसाइट पे आ जाएगा, आप इजीली सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। और अगर आप वाया किसी और मुल्क से ओमान में जाना चाहते हैं तो आप इजीली इंटर हो सकते हैं, ठीक है भाईजान। तो इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा और अल्लाह सबको भला करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। म्यू हॉस्पिटल लाहौर बिल्कुल नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम।